तो बंधु क्या नाइट मोड का रिटर्न होने वाला है पबजी के अंदर और बीजीएमआई के अंदर, और साथ ही साथ जो एक ड्रैकुला मोड था जिसके अंदर आप खुद को ड्रैकुला बना सकते थे और नाइट के अंदर भी देख सकते थे, क्या वो मोड वापस आने वाला है? जो नाइट विजन था क्या वो वापस आने वाला है? अब मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूँ यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। लीक्स निकलना स्टार्ट हो चुका है कि एरेंगल जो ओल्ड वाला हमारा था 1.0 वाला, दो साल पहले या कह सकते हो डेढ़ साल पहले, वो रिटर्न होने वाला है। और इस पर मैंने दो डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, और डिटेल के लिए उस वीडियो को देख लेना क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि कैसे देखने को मिलेगा और कब तक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे रिलीज डेट भी बताया है, तो उस वीडियो को देख लेना है, लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। लेकिन हाँ, आप में से कोई भी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जबकि यूट्यूब पे सबसे पहला आवाज मैंने ही उठाया था यहाँ पे ओल्ड एरेंगल का, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर देना। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नाइट मोड के बारे में। तो देखो, नाइट मोड एक बहुत ही खतरनाक वाला मोड था जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको पबजी के अंदर ही देखने को मिला था, बीजीएमआई के अंदर तो वो चीज देखने को भाई मिला ही नहीं है। तो वो बात कर लेते नाइट मोड का। तो देखो, नाइट मोड का जो लफड़ा था ना कुछ इस टाइप का था कि भाई यहाँ पे आपको एक नाइट फोकस मिलता था यहाँ पे रात में देखने के लिए गेम के अंदर एरेंगल के अंदर, और जैसे यहाँ पे शाम होना स्टार्ट होता था तो यहाँ पे बर्ड्स वगैरह का आवाज आना स्टार्ट हो जाता था, और साथ ही साथ हमें ये पता चलने लगता था कि भाई रात होने वाला है, और कुछ ही टाइम के बाद रात हो जाता था और कुछ इस टाइप का लुक आपको देखने को मिलता था। और इतना नहीं, इतना ज़्यादा डार्क नाइट हो जाता था कि भाई हमें कुछ देखने को मिलता ही नहीं था, और उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता था नाइट गोगल्स, और नाइट गोगल्स यूज़ करने के बाद या कह सकते हो नाइट विजन यूज़ करने के बाद कुछ इस टाइप का व्यू देखने को मिलता था। और ये वाला जो मोड था ना बहुत कोई का फेवरेट था, और मैं कह रहा हूँ अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद आप में से बहुत कोई ऐसे दोस्त होंगे जिनको ये मोड अभी भी पसंद आता है और इस मोड के लिए अभी भी वेट कर रहे हैं। तो देखो बंधु, यहाँ पे जो ओल्ड एरेंगल हमारा वापस आ रहा है तो हो सकता है कि ये मोड भी वापस देखने को मिल जाए, और यदि हमारा ओल्ड एरेंगल नहीं भी देखने को मिलता है तो क्या ये मोड देखने को हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे न्यू वाला एरेंगल को आए हुए लगभग यहाँ पे दो साल हो चुका है ना, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मोड देखने को नहीं मिला है जो कि ऑफिशियल पबजी का हो, समझ रहे हो। जितने भी मोड्स आपको देखने को मिला है अभी तक, सारा का सारा यहाँ पे हमें इवेंट का ही देखने को मिला है, ना ही एक ड्रैकुला मोड जो पहले आता था वो देखने को रिटर्न मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे जॉम्बी मोड आता था, और साथ ही साथ जो यहाँ पे आप देखोगे ये वाला नाइट मोड जो था ये भी बहुत ही ज्यादा फैन फेवरेट मोड था, तो इसका भी रिटर्न उन्होंने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हर सीजन के अंदर, हर यहाँ पे कह सकते हो रॉयल पास के अंदर, वो लोग अब एक ही चीज कर रहे हैं, यहाँ पे स्किन्स दे रहे, भर भर के स्किन्स दे रहे, लेकिन जो मोड यहाँ पे फैंस को पसंद था उसके बारे में सोच भी नहीं रहे, उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं रहे। तो यहाँ पे बात कर लेते क्या यह न्यू वाला एरेंगल के अंदर देखने को मिल सकता है। अब देखो, ये वाला जो नाइट मोड है ना वो 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 50% चांस है कि देखने को मिल सकता है न्यू एरेंगल के अंदर भी, क्योंकि यदि एक बात मैं आपको बताऊं ना, तो ये पबजी का ऑफिशियल कह सकते हो यहाँ पे था मोड, यहाँ पे किसी के साथ भी कोलैबोरेशन नहीं था, ये कह सकते हो किसी दूसरे कंपनी का ये मोड नहीं था, पबजी का खुद का मोड है, तो वो दे सकता है। अब पबजी वाले दे सकते हैं तो बीजीएमआई वाले भी दे सकते हैं, और यहाँ पे बता देता हूँ बहुत कोई मुझे बोलते कि भाई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मोड अभी तक नहीं आया है, वो यहाँ पे वही वाला जो पुराना वाला है उसको रिटर्न क्यों नहीं कर रहे। तो देखो, डब्ल्यू वी वाले जो है जिसका यहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग जिसका कॉपीराइट है इन दोनों मॉन्स्टर के ऊपर, जितने दिन के लिए राइट दिया था यहाँ पे पबजी वालों को और बीजीएमआई वालों को ऐसा कह सकते हो, तो तभी तक वो लोग यूज कर सकते थे, उसके बाद यदि अब यूज करेंगे सेम वही मॉन्स्टर यूज करेंगे तो पबजी वालों को कॉपीराइट मिल जाएगा। और आपको पता है गरीना वाले के साथ पंगे चल रहा है पबजी का, क्योंकि भाई साहब उन्होंने बस यहाँ पे मैकेनिज्म कॉपी किया था या कह सकते हो गन्स कॉपी किया था, उसको लेके गरीना वाले को अभी यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे किसी भी कंपनी का कोई भी चीज यूज नहीं कर सकता है पबजी। और बात करें इस नाइट मोड का, तो भाई देख ही लो नाइट मोड का गेम प्ले कितना ज्यादा ऑसम होता था, ऊपर से तारे वारे भी देखने को मिलता था और दूर से हमें स्पॉट हो जाता था कि भाई गाड़ी आने वाला है या गाड़ी आ रहा है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा कूल मोड था। तो देखो, 50% जैसा कि मैंने बोल दिया कि चांस है कि ये मोड आपको देखने को मिल जाएगा। अब यदि न्यू वाले एरेंगल के अंदर ये देखने को मिलता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाएगा, क्योंकि हमारा ओल्ड एरेंगल से कुछ तो न्यू के अंदर आएगा। लेकिन यदि यहाँ पे न्यू के अंदर नहीं आया तो जो ओल्ड एरेंगल हमारा आ रहा है जिसका लीक्स निकलना स्टार्ट हो चुका है, न्यूज आना स्टार्ट हो चुका है, तो भाई उसके अंदर देखने को मिलेगा आपको
आपको नाइट मोड, और ये वाला नाइट मोड को तब आप इंजॉय कर पाओगे। अब यदि आपको नाइट मोड चाहिए तो यहाँ पे हर जगह जाओ, पबजी के जितने भी पोस्ट होते हैं, बीजीएमआई के जितने भी पोस्ट होते हैं, उसके नीचे जाके यदि आप डिमांड करोगे कि हमें ये मोड वापस चाहिए तो ये मोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो कमेंट के अंदर स्पैम कर देना वी वॉन्ट नाइट मोड इन बीजीएमआई या पबजी मोबाइल, जो भी आप यहाँ पे खेलते हो उसके हिसाब से आप कमेंट कर देना। अब ये तो हो गया नाइट मोड का बात। एक और मोड था जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल था और उस मोड का मैं बहुत ही ज़्यादा क्रेजी वाला फैन था, तो उस मोड के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम था हैलोवीन मोड या कह सकते हो ड्रैकुला मोड। और भाई इस मोड का अभी भी बहुत सारे यहाँ पे क्रेजी वाले फैन होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप लोग इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि भाई ड्रैकुला मोड या कह सकते हो ये जो हैलोवीन मोड था ना, बहुत ही ज़्यादा कूल था। इसके अंदर आप एक जगह पे खड़ा हो सकते थे या कह सकते हो जो ये प्लेस बनता था ड्रैकुला बनने का, वहाँ पे आप जाके खुद को ड्रैकुला में ट्रांसफॉर्म कर पाते थे। और साथ ही साथ इतना ही नहीं भाई यार, यहाँ पे एयर ड्रॉप का वेपन आपको देखने को मिल जाता था बॉल को चार्ज करते ही, और यहाँ पे बंदे भी ढेर सारे आते थे और जिसको ड्रैकुला सूट मिल जाता था या कह सकते हो जो ड्रैकुला में खुद को ट्रांसफर कर लेते थे सबसे पहले, उसको सारा बंदा दूर से दिखना स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि उसको रात में भी दिखना स्टार्ट हो जाता था और वो बहुत ही आराम से ढेर सारा किल निकाल लेता था। तो भाई देखो ये मोड को आना था यहाँ पे हैलोवीन पे, ये मोड यदि आ जाता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा बात होता, लेकिन पता नहीं बीजीएमआई और पबजी क्या कर रहे हैं, न्यू यहाँ पे कोलैबोरेशन करेंगे, लेकिन इतने अच्छे अच्छे मोड था जो कि हम लोग को पसंद था, भाई मुझे भी पसंद था, आपको भी पसंद था, वो चीज यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे और बार बार कोलैबोरेशन और स्किन्स पे ध्यान दे रहे। और भाई मैं सच बताऊँ ना, ये मोड मेरा फेवरेट था। और बात कर लेते हैं कि ये मोड हमें कब तक देखने को मिलेगा, अब देखने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। देखो ओल्ड इरेंगल आता है तो उसके साथ हो सकता है कि जब हमारा हैलोवीन आता है तब आपको ये मोड देखने को मिल जाए, और ये नेक्स्ट वाला जो हैलोवीन हमारा आने वाला है, मतलब ये वाला जो हैलोवीन हमारा आने वाला है, तो हो सकता है इस हैलोवीन के अंदर आपको देखने को मिल जाए ये वाला मोड। और कमेंट के अंदर बताओ 2022 का हैलोवीन किस डेट के ऊपर है, मैं जानना चाहता हूं, मुझे नहीं पता है, तो डेट आप बता दोगे तो मैं कमेंट पर लूंगा और आपको लाइक भी दूंगा। तो भाई ये भी मोड एक बहुत ही ज्यादा फैन फेवरेट मोड है और ये मतलब अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है इसका, तो इसको भी हम रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं कर सकते अभी के लिए, तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते जब तक यहां पर पबजी का मन नहीं हुआ, वो लोग नहीं देंगे। लेकिन हाँ, हम हैशटैग चला सकते हैं कि वी वॉन्ट ओल्ड इरेंगल, और भाई ओल्ड इरेंगल यदि एक बार आ गया ना भाई, तो मैं कह रहा हूं कि भाई फिर से इस गेम का हाइप बहुत ही ज्यादा अप हो जाएगा, क्योंकि भाई ओल्ड इरेंगल अलग लेवल का था, उसके अंदर जो मोड वगैरह था वो भी अलग लेवल का था। तो आपको क्या लगता है कि ये ड्रैकुला मोड आपको फिर से रिटर्न देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। साथ ही साथ आप में से बहुत कोई ने बोला था कि जो हमारा जॉम्बी मोड था, जो हार्डकोर मोड था, वो सब रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। तो देखो जॉम्बी मोड भी आते हैं, हैलोवीन पे आता है फिर वो वापस चला जाता है, तो भाई इसका गारंटी मैं भी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि भाई पबजी का मन है, वो लोग जो मन होता है वही करते हैं, मतलब फैंस का तो सुनते ही नहीं। आर्किन मोड यहां पे आप लोगों ने बोला था कि हमें बहुत ज्यादा पसंद था, तो क्या उसका रिटर्न हो सकता है? तो देखो वो वाला जो भी कोलैबोरेशन वाला मोड होता है ना, जैसे कि यहाँ पे आर्केन हुआ था या मिरर वर्ल्ड हुआ था, या तो आप सिंपली कह सकते हो यहाँ पे जो गॉडजिला, यहाँ पे आप बोल सकते हो गॉडजिला के साथ जो हुआ था, ऐसे जो भी मोड्स होते हैं मूवी वगैरह से रिलेटेड, वो मोड्स का तो रिटर्न आना मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, जब तक फिर से कोलैबोरेशन नहीं हुआ तब तक तो देखने को नहीं मिलेगा। और भाई इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वो चीज दिखाया जो कि भाई मतलब बहुत पुराने प्लेयर्स को ही पता होगा, ये ड्रैकुला मोड वगैरह के बारे में। और भाई सच बताओ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ ये वीडियो देख के और रिकॉर्डिंग करते हुए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी ये मतलब पुराना यादें आ गया होगा। भाई बहुत सारा दोस्त भी थे पुराने इरेंगल के अंदर जो कि न्यू इरेंगल के अंदर वापस नहीं आए, तो होप करते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारा इरेंगल वापस आ जाए। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप सबको फिर से एक इस इंटरेस्टिंग कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल, एंड हाँ Keep watching Jackalan, the help tube. Bye.